हेलो दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल के लिए यूटेरिया का वॉल्यूम 2, और इसमें हम सेट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 8 सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? क्या राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी सी बनी, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक हो है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? क्या पूछा, नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरती कहाँ कहाँ से है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये गुजरती है चिली से, अर्जेंटीना से, प्रागवे से, ब्राज़ील से, नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है, नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेट अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क भारत का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? क्या हेमिस नेशनल पार्क, तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? क्या कृत्रिम झील, तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कहाँ की, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं का काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। क्या ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? क्या कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? क्या सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक क्या ज्वारीय बंदरगाह है? क्या पूछा है, ज्वारीय बंदरगाह, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। क्या कांडला क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू रिपेयर, क्या राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया? क्या राइट टू रिपेयर करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, क्या बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये अररिया में आपको बनाया जाएगा। 136 एकड़ से अधिक जमीन पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। यह प्रदेश का मतलब बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा, ठीक है, और अररिया जिले में कहाँ होगा? तो यह रानीगंज में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट, क्या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एशिया की ज्योति पुंज, किनको एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? क्या मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सिंधु तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवाने, एक सेकेंड, क्या है? सल्तनत काल में दीवाने रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है? तो किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार नियंत्रण विभाग का, क्या? दीवाने रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो किसका मकबरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आदिल शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डीवास के युद्ध में, किसके युद्ध में? बॉन्डीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर आयरकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? तो किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन, क्या? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयू फ्रेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलगिन द्वितीय ने, क्या? लॉर्ड एलगिन द्वितीय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था? तो पहला साहसिक कदम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट सत्याग्रह था, क्या? साहिसा कदम था, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप का नाम रखा? क्या? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस को शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो किस सिद्धांत के अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक, क्या? किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? क्या? उदार ऋण देने वाली खिड़की। तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को क्या कहा जाता है? उदार ऋण देने वाली खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GNI, सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेकित कीजिए, क्या करा? सुमेकित कीजिए यानी कि मिलान कीजिए। तो इसका मिलान कीजिए, जी मार्कोनी किससे संबंधित है? तो जी मार्कोनी रेडियो से, तो आपका जी मार्कोनी हो गया, मार्कोनी रेडियो से। JL बेयर्ड, क्या? JL बेयर्ड किससे है? टेलीविजन से है। फिर क्या है? एलेक्जेंडर ग्राम बेल, एलेक्जेंडर ग्राम बेल किससे? टेलीफोन से है। फिर नेक्स्ट क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन, तो थॉमस अल्वा एडिसन किससे रिलेटेड है? तो ग्रामोफोन से है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मगतिकीय, क्या? उष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो उष्मगतिकीय रूप से कार्बन का स्थायी रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? क्या? मात्रक है ही नहीं, यूनिटलेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति, ऑप्शन नंबर सी, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका होता है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हैं तो डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप, क्या एंडोस्कोप, इसको स्टोमेज में डाल के चेक किया जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु केंद्र के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, यह आपको नाभिक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम जिसको रूबी कहते हैं, क्या नीलम जिसको रूबी कहते हैं का रासायनिक सूत्र है, क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका इसका रासायनिक सूत्र है Al2O3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया, क्या पूछा, एम्फीबिया होता है, तो एम्फीबिया क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव, मतलब जो कि जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, इसको क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, मेढक, फ्रॉग हो जाएगा, फिर टोड जिसको कहते हैं, टोड भी हो जाएगा, ये सब किस में आता है, एम्फीबिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, क्या लिंग गुणसूत्र गुणसूत्र होते ही नहीं हैं, तो किस में नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियां की संख्या होती है, तो कितने मनुष्य के शरीर में पसलियां की संख्या, तो ये है आपका 24, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 24 होते हैं जिसमें पैर पूछा, अगर पैर पूछता है तो इसमें 12 पैर होते हैं, क्या 12 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, क्या उत्सर्जी अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के रूप कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों का विस्थापित किए बिना का हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी होती है, क्या मध्य कान की हड्डी होती है, तो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये क्या होते हैं, एक सेकंड, मध्य कान की हड्डी होती है मैलिस इनकस स्टेपिस, क्या होता है, मैलिस इनकस स्टेपिस, इसको कान की हड्डी कहा जाता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिस, क्या मिस, मैलिस इनकस और स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है, क्या गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है, तो कितनी होती है, तो दो होती है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, दो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इसका राइट कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र में होती है, क्या सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे, तो क्या कह रहा है, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, तो कौन थे, तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्या नहीं रखा गया है, तो किनको नहीं रखा गया है, तो आयकर का भुगतान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर का भुगतान करना, देश की रक्षा करना को रखा गया है, हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की सुरक्षित रखना इसको भी किया गया है, जन संपत्ति की रक्षा करना इनको भी, इसको भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो किस कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 D में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में, किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो किस कोष से दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकस्मिक निधि के धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? क्या संवैधानिक निकाय है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किस देश को सौंपी गई है? ये आपको भारत की सौंपी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? क्या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको प्रधानमंत्री है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? क्या विदेशियों को नहीं, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, विदेशों के लिए नहीं है। और ऐसा कौन कौन सा अनुच्छेद है जो कि सिर्फ भारत के लिए है? तो ये आपका अनुच्छेद 15, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए, ये विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है, तो क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई थी? क्या संशोधन प्रक्रिया, तो किस अनुच्छेद में दी गई थी? ये आपको अनुच्छेद 368 में दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटन कप, क्या पूछ रहा है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप का आपका हॉकी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछा? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे? आप कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्या अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। क्या? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ ASEAN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या ASEAN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जकार्ता में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चटगांव शस्त्रागार लूट। क्या? चटगांव शस्त्रागार लूट। और कब कब हुआ, इसका हम डेट देख लें। क्या? बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह क्या हुआ? 1928। आपको चटगांव शस्त्रागार लूट ये कब हुआ था? 1930 को। काकोरी संडयंत्र केस, क्या काकोरी संडयंत्र केस ये हुआ था आपको 9 अगस्त 1925 को। नौजवान भारत सभा की स्थापना, तो ये कब हुआ था? 1926 को हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए क्या कह रहा है, सबसे बाद में तो कौन हुआ था? चटगांव शस्त्रागार लूट, ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस की मुद्रा है क्या? फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा है पीसो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? क्या पेरिस किस नदी के किनारे बसा है?
तो ये आपको बसा है सिन नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालको एल्युमिनियम कंपनी देश किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? क्या नालको एल्युमिनियम कंपनी तो किस देश के कम किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इटली की सहायता से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी नृत्य, क्या लावणी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो लावणी कहाँ प्रचलित है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां, क्या 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की? ये आपको ब्रुनेई ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? ये आपको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। क्या कह रहा है? संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। किसको? कौन राष्ट्रगान है? जनगणमन। राष्ट्रगान को गाने का समय में टाइम कितना लगता है? यह आपका हो जाएगा 52 सेकेंड। और संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तथा भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज लिख लीजिएगा, नेशनल, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज को कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और क्या क्या और आपको राजकीय चिन्ह? ये आपको किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? क्या बोडो किस राज्य में बोली जाती है? आपको आसाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? क्या कौन रबी फसल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। ये रबी फसल नहीं है, तो क्या है मूंगफली? ये आपका खरीफ फसल है, ये आपका खरीफ है। जबकि आपको जौ हो गया, गेहूं हो गया, सरसों, क्या ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनल मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, क्या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसे आपको 85वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 85th। तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।